एक लड़का पड़ोस की लड़की को लेकर फरार। वजह बताई कि उसके वालदैन उसकी शादी नहीं करा रहे थे। एक नौजवान ने अपने वालदैन से कहा, अगर मेरी शादी नहीं करा रहे तो ठीक है, लेकिन अगर कहीं से मेरे बारे में कोई गिला शिकवा आया तो मैं उसका जिम्मेदार नहीं हूँगा। मम्मी सुनो ना, क्या है? मुझे शादी करनी है। क्या करनी है? शादी करनी है, मेरे सारे दोस्तों की शादी हो गई, एक मैं ही उनकी महफिल में शर्मिंदा बैठा रहता हूँ। नुन्नू सा है अभी और शादी करनी है? नुन्नू नहीं हूँ मैं, नुन्नू अब बड़ा हो चुका है। कोई बड़ा बड़ा नहीं हुआ है, तू अभी भी अपनी रजाई में सुसु कर देता है। Oh, no! ये बहानेबाजी नहीं चलेगी, मुझे शादी करनी है बस। क्या बात है, चल रही है माँ बेटे में? आपके बेटे को शादी नहीं करनी मुझे शादी, कितनी बार बोलूं मैं, अभी मेरी उम्र ही क्या है। देखो ना पापा, मम्मी जबरदस्ती मेरी शादी कराना चाहती है, लेकिन मुझे नहीं करनी अभी शादी। शाबाश बेटे, मैं तुम्हारे फैसले पर खुश हूँ। जो गलती मैं कर चुका हूँ वो तुम्हें नहीं करने दूंगा। क्या मतलब गलती? मुझसे शादी करना गलती थी? हाँ, तुमसे शादी करना गलती थी। बेटे तुम्हें पता है, मैं शादी से पहले एक मम्मी डैडी बर्गर बच्चा था। ये मानो जूली अरलम फरलम जैसी बच्चियाँ मेरे आगे पीछे घूमती थी, लेकिन मेरी शादी हुई एक अनपढ़ जाहिल गवार से जिसे नूडल्स तक पकाना नहीं आता था। ओह नो, नूडल्स! अब बताओ, नूडल्स में दूध और चीनी डालकर कौन पकाता है यार? हेलो भाईजान, जल्दी से आ जाएं आप। ओह नो, आपके जीजा जी की हड्डियां तोड़वा। अरे बेगम, मैं तो मजाक कर रहा था यार, कहाँ जा रही हो आप, तो सीरियस ही हो गई। पापा आपकी तो लग गई। वैसे ये मानो और जूली वाला क्या सीन है? बेटा अभी तो नुन्नू है, बड़ा हो जा फिर पता चल जाएगा ये मानो जूली वाला सीन।